सुनने में अगर कहीं गलती होती है तो आपका बेटा आपका भाई समझकर हमें माफ कीजिए। 3 तारीख को अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए पतंग को मोहर लगाइए, पतंग को मोहर लगाइए। सीरियल नंबर पांच पे पतंग है, वार्ड नंबर 14 के कैंडिडेट अजीम शेख की, तो 5 को मोहर लगाकर मैं 5 बार बोलूंगा, 5 पे मोहर लगाइए, पतंग पे मोहर लगाइए, 5 को मोहर लगाइए, पतंग पे मोहर लगाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 200 किलोमीटर दूर से हैदराबाद से आज अगर गुलबर्गा आई है तो गुलबर्गा पहली मर्तबा नहीं आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार को फतेह करके आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र का फतेह करके आई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब घर घर फिरकर, रोडे रोड फिरकर मुसलमानों के हकूक के लिए बात करते हैं, मुसलमानों की इज्जत के लिए बात करते हैं, उनके हकूक दिलाने के लिए बात करते हैं, तो वो आपके और मेरे हकूक और इज्जत दिलाने की बात करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाहिद जमात है जो आपकी और मेरी हकूक की बात करती है। जो काम कर सकते हैं आप उनको वोट देना, 5 साल जो वोट लेकर घर बैठे उनको वोट नहीं दीजिए। मैं जानता हूं कि ये मोहम्मद अजीम साहब घर घर आएंगे। मेरा एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत में और उनके हौसलों में इजाफा करेगा, इसलिए इजाफा करेगा कि हम अगर आपके दर पे आके अगर वोट नहीं मांगेंगे तो किसके पास जाएंगे? आज तमाम लोग के कायदीन आएंगे जो अपने आप को सेकुलर कहने वाले आपकी चौखट की धूल को चाटेंगे, मगर फैसला आपको करना है। ये सोच के उठिए आज के मुनज़्ज़म मुत्तहिद होके उठिए कि आज हिंदुस्तान की हालत आपके सामने है। आज तरह तरह के जुल्म हम पे हो रहे हैं, अगर हम यहाँ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म नहीं होंगे, ये एक इलेक्शन है, ये चौराहे पे ठहर के अगर तकरीर की जाती है तो हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का हल अजीम शेख जब मुंतखब होकर जब ऐवान बल्दिया में जाएंगे तो हमारे मसाइल का, हमारे एरिया के डेवलपमेंट का काम होगा। तो 3 तारीख के दिन पतंग को वोट दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क्यादत को मजबूत करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। अगर कोई सोच रहे हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, नहीं, आपका एक वोट हिंदुस्तान की ताकत में, मुसलमानों की ताकत में जफर करेगा। मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। 3 तारीख के दिन अपने एक एक कोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज निशान पतंग है, पतंग को वोट दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद की असेंबली में अगर कहते हैं तो KCR वक्त के चीफ मिनिस्टर को करना पड़ता, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर आपके दरमियान में क्यों आ रहे हैं? कौन सी चीज उनको आपके दरमियान में खींच कर लेकर आ रही है? तो यही चीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है कि क्या गुलबर्गा की सरजमीन पर मेरी प्यारी माओ, मेरी बहनों, क्या तुम चाहते हो कि जिस जिंदगी को तुमने गुजार कर दुनिया से आ रहे हो तुम आने वाली नस्लों को उसी हाल पर छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी छोटे छोटे कारोबार तक होटलों में काम करते हुए ये भी जिंदगी गुजारे, ठेला बंदी लगाकर जिंदगी गुजारे, पंचर जोड़कर जिंदगी गुजारे? क्या मेरी प्यारी माओ तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बने, अच्छे ताजिर बने, अच्छे दुकानदार, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे वकील बने, अच्छे जज बने? और ये तभी मुमकिन होगा जब ऐवान सियासत में आप अपने नुमाइंदों को जिताकर वहां पर ऐवानों में भेजोगे। याद रखो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत दिल में रसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत हो। आज हिंदुस्तान के फिरका परस्तों के पास में सियासी ताकत आ चुकी है, उसी नियतों पर हिंदुस्तान में दंग बनाते हुए घूम रहे हैं। अगर तुम गाफिल रहोगे और फैसला 3 तारीख के दिन नहीं लोगे तो याद रखो ये दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, ये आने वाली नस्लें तुम्हें याद करेगी कि एक मौका तुम्हारे पास में था, यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी आकर पसीने में लबालब होकर आपको समझा रहे थे, हैदराबाद के कॉर्पोरेटर साहब के दस्तक देकर आपके दरवाजों पर चीख कर कह रहे थे मुत्तहिद हो जाओ, साथ दे दो,
ये बात याद रखो मेरे भाई, मेरे प्यारी बहनों, आज फैसला लेने का वक्त है, ये जागने का वक्त है। खुदा ना खास्ता इस देश के बुरे हालात आ जाए, इसलिए सुनो अवेसी साहब की आवाज पर लबैक कहो। 3 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर फैसला लो कि हमको किसी की बात में नहीं आना, पतंग के निशान पर उड़ देना है।